हमारे देश की ये विशेषता रही है कि जब भी किसी कुरीति या कुप्रथा ने समाज की जड़ों को खोखला करने की कोशिश की है, उसी समय किसी मसीहा ने जन्म लेकर उस कुप्रथा को नष्ट करने का, खत्म करने का काम किया है। और ऐसे ही एक महान समाज सुधारक थे जो 19वीं सदी में पैदा हुए, जिनका नाम था महात्मा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद राव था और माता का नाम चिमनाबाई था। ज्योतिबा का परिवार सतारा से पुणे फूल लाकर मालाएं और गजरे बेचा करता था, इसीलिए उनका नाम या फिर कहें कि उनका टाइटल फूले पड़ा। ज्योतिबा ने बाल विवाह के खिलाफ और विधवा विवाह के समर्थन में अभूतपूर्व कार्य किया। इसके अलावा छुआछूत मिटाने के लिए भी उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाए। ज्योतिबा की शिक्षा दीक्षा मराठी भाषा में हुई थी। उन्होंने देश का पहला दलित और महिला विद्यालय खोला। इसमें उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने उनका भरपूर सहयोग किया। वो देश की पहली महिला शिक्षिका थी। अछूतों का उद्धार करने के लिए सत्यशोधक नामक समाज की स्थापना का श्रेय भी ज्योतिबा फूले को जाता है। 1888 में महान समाज सुधारक, दार्शनिक, लेखक ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि से एक विशाल महासभा में नवाजा गया। इसी तरह की और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए शिक्षा कुल PCS से।